अब नए वीडियोस देखिए हर वेंसडे और सैटरडे को। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहारी जायका में। आज हम बनाएंगे चेजी रेड सॉस पास्ता। आपने पास्ता बहुत तरीके से खाई होगी। आज हम पास्ता की बहुत ही इजी रेसिपी बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से एक बार पास्ता बनाएं। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम सॉस तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में हाफ कप पानी डालें। अब इसमें 15 से 20 लाल मिर्च डालें, या आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्च डालें। ये लाल मिर्च ज्यादा तीखा नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा क्वांटिटी में डाला है। अगर आपकी मिर्च ज्यादा तीखी है तो आप कम क्वांटिटी में डालें। 4 मीडियम साइज के टमाटर और 1 मीडियम साइज के प्याज को मोटे पीस में काट कर डाल दें। 15 से 20 लहसुन की कली डालें और 1/4 चम्मच नमक डाल दें और मीडियम फ्लेम पर टमाटर के गलने तक बॉयल करें। जब टमाटर गल जाए तब फ्लेम ऑफ करें और ठंडे होने पर इसका पेस्ट बना लें। अब पैन में 1 चम्मच तेल डालें और 1 चम्मच बटर डालें। जब बटर मेल्ट हो जाए तो 1 चम्मच बारीक कटे लहसुन और 2 से 3 स्लाइस्ड हरी मिर्च डाल दें। 10 सेकंड भून लें। अब प्याज डालें। प्याज को हल्का पिंक होने तक भूनें। प्याज को हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब शिमला मिर्च डालें। शिमला मिर्च को भी 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लें। अब जो हमने सॉस बनाया था उसे डालें। 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनें। अब 1 बड़े चम्मच टमाटो सॉस डालें, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर डालें। सबको अच्छे से मिला दें। अब 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें और थोड़ा सा नमक डालें। ध्यान रखें सॉस बनाते समय भी नमक डाला था। अगर आपके पास ओरिगेनो है तो इसी समय ओरिगेनो भी डाल दें। सबको मिला दें। अब बॉयल पास्ता डालें। पास्ता को सॉस के साथ मिलाकर 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रखें। अब थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल दें और चीज को ग्रेट करके डालें। थोड़े से चीज को हाथों से तोड़ के भी डाल दें। चीज डालने के बाद एक बार अच्छे से पास्ता को चला लें, जिससे चीज पास्ता में अच्छे से मिल जाएगी। अब आपका यमी रेड सॉस पास्ता बनकर तैयार है। कि ये कितना चीजी बना है। अब पास्ता को गर्मा गर्म सर्व करें। आप इस तरीके से एक बार पास्ता ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये पास्ता की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पास्ता की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।